नमस्कार, विस्तार न्यूज पर आपका बहुत स्वागत कर रहा हूं। आपके साथ मैं हूं भारत सूरज। आजाद भारत के ऐतिहासिक कालखंड के जब पन्नों को पलटकर आप देखिएगा तो आपको एक बात समझ आएगी कि भारत का जो इतिहास रहा है उसमें भारत की आबादी बटी हुई ही रही है। यही कारण रहा कि आज से 250 साल पहले जब अंग्रेज भारत आए थे तो उन्होंने इसी बंटवारे का फायदा उठाया है, फूट डाली और फिर 250 साल तक इस देश पर राज किया। लेकिन आजादी के 7 दशक बाद एक बार फिर से सियासत के गलियारों में बटने की, कटने की, एक रहने की बात चल रही है, बयानबाजियां हो रही हैं। बटेंगे तो कटेंगे, ये नारे हरियाणा से शुरू हुए, अब ये नारे महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनावी शोर में भी सुनाई दे रहे हैं। तो आज बात इसी बयान पर करेंगे कि आखिर किसके बटने की बात हो रही है, किसके कटने की बात हो रही है और बटने से किसको नुकसान है, नहीं बटने से किसको फायदा है। बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। संगठित समाज का बल चाहिए, उसी की साधना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता है। अब हम तो कहते हैं जब जब हिंद बाबू को भूले आए विपद महान, भाई टूटे धरती कोई मिटे धर्म संस्थान। योगी जी ने सही कहा है, बटोगे तो कटोगे। इस तरह के बयान देकर ये तुष्टिकरण करना चाहते हैं, लोगों का वोट लेना चाहते हैं और देश में नफरत फैलाने का काम करना चाहते हैं। हम सबको कहते हैं इलेक्शन में रहना है तो हिंदू बनना होगा। ध्यान रखना, जाति में मत बटना, जाति में बटोगे तो फिर काटे जाओगे, इकट्ठा रहोगे तो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहोगे। सियासत के नाव पर अचानक से सबको एक रहने को कहा जा रहा है, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, ये आवाज हर जगह सुनाई दे रही है कमोबेश। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस नारे की जहां से ये सारा बवाल शुरू हुआ। जगह कौन सी थी? जगह थी आगरा, तारीख थी 26 अगस्त 2024 और माइक के सामने थे योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था वो आपको सुनवाते हैं कि जिसके बाद बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, ये कवायदे शुरू हो गई हैं। बयान सुनवाते हैं आपको योगी आदित्यनाथ का। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनावों के दौरान दिया गया योगी आदित्यनाथ का यह बयान और भी प्रासंगिक होता जा रहा है। हरियाणा विधानसभा के चुनाव बीत गए हैं, नतीजे आ गए हैं, लेकिन यह बयान अब भी प्रासंगिक है। अब योगी का यह नारा तो आपने सुन लिया, हरियाणा विधानसभा के चुनाव के दौरान दिया गया यह नारा था, लेकिन इस नारे का संदर्भ उस वक्त बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट के बाद हिंदुओं को एकजुट करने के लिए दिया गया था। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश का जिक्र करते हुए इस नारे को भारत के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में इस तरीके से फिट बिठा दिया कि हरियाणा में तो ये फिट बैठ ही गया। क्यों बैठा है वो आपको बताएंगे, लेकिन अब बात महाराष्ट्र चुनावों में भी इसी बयान के इर्द गिर्द हो रही है। हरियाणा चुनाव के बाद जब ईवीएम की पेटी खुली थी तो ये समझ आ गया था कि स्याही की रंग में योगी आदित्यनाथ के उस बयान की थोड़ी ना थोड़ी प्रेजेंस भी है, उपस्थिति भी है, क्योंकि यही कारण रहा कि तमाम राजनीतिक पंडितों ने जो भी भविष्यवाणी की थी वो सब हरियाणा में धरी की धरे रह गई। बीजेपी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीत गई और वहां पर सरकार बना लिया। ये नारा उस सियासी हवा से, यानी हरियाणा के सियासी हवा से बहकर महाराष्ट्र भी पहुंच गया है। अब महाराष्ट्र में क्या हुआ है वो भी आपको बताते हैं, बताते क्या है दिखाते हैं। ये तस्वीर देखिए आप,
ये तस्वीर देखिए आप, आपको हम पोस्टर दिखाते हैं जो महाराष्ट्र के चुनावों में खूब जमकर लगाया जा रहा है। महाराष्ट्र के चुनावों की तारीख का ऐलान हुआ है और उसके बाद योगी आदित्यनाथ का ये नारा महाराष्ट्र में भी फेमस हो गया है, बटोगे तो कटोगे। ये महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी खूब गूंज रहा है। ये नारा हरियाणा में दिया गया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिया, लेकिन महाराष्ट्र चुनाव में भी इसका संदर्भ ढूंढ के निकाल लिया गया है। महाराष्ट्र में विश्व बंधु सहाय नाम के एक व्यक्ति ने मुंबई की सड़कों पर योगी आदित्यनाथ के फोटो के साथ पोस्टर लगवाइए, देख लीजिए यही वो पोस्टर है और महाराष्ट्र की सड़कों पर यह पोस्टर पटा हुआ है। ये कार्यकर्ता, इस कार्यकर्ता का नाम है विश्व बंधु सहाय, विश्व बंधु राय इसका नाम है। ये कांग्रेस का कार्यकर्ता है लेकिन महाराष्ट्र के तमाम सड़कों पर इसने ये पोस्टर चिपका दिया। कार्यकर्ता था समझ लीजिए, क्योंकि इस पोस्टर को लगाने के बाद कांग्रेस ने उसके साथ ताल्लुकात रखा नहीं। हालांकि बाद में बीएमसी ने भी इस पोस्टर को हटा दिया, लेकिन पोस्टर की बहुत अहमियत होती है। अगर एक घंटे के लिए ही लग जाए नजरें तो जाती ही हैं। तो योगी आदित्यनाथ के फोटो के साथ ये पोस्टर पूरे महाराष्ट्र में लगा दिया गया, जिसके बाद से महाराष्ट्र की राजनीति का रंग भी हरियाणा और उत्तर प्रदेश की तरह ही जाति वाला हो गया। और इसके केंद्र में कौन आ गए? यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो ये पोस्टर आप देख लीजिए। अब ये नारा कहां से कहां पहुंच गया है ये तो हमने आपको बता दिया। हरियाणा से नारा दिया गया, महाराष्ट्र के चुनावी सरगर्मियों में भी ये नारा गूंजता दिखाई दे रहा है, सुनता दिखाई दे रहा है। लेकिन तस्वीरों के माध्यम से अब आपको ये भी समझाते हैं कि इस बटोगे तो कटोगी वाली कहानी की दरअसल शुरुआत हुई तो आखिर कहां से हुई, क्यों राजनीतिक बयानबाजियों में ये नारा सबसे ज्यादा सुनाई दे रहा है। चार तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, चार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी की है, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ हैं, नीचे आरएसएस के दो कद्दावर चेहरे मोहन भागवत और दत्तात्रेय होसबोले। पहली तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी की है, पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के ठाणे में 5 अक्टूबर को कहा था, तारीख याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, 5 अक्टूबर को ठाणे में कहा था उन्होंने कि अगर हम बटेंगे तो लोग उसकी महफिल सजाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान क्या था वो भी आपको सुनवाते हैं, तारीख नोट कर लीजिए, 5 अक्टूबर को यह बयान दिया था। नतीजे कब आए थे हरियाणा चुनाव के? 8 अक्टूबर को। पहले यह बयान सुनिए आप। अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। तो अब प्रधानमंत्री महाराष्ट्र की धरती से एकजुट रहने की बात कर रहे हैं। 5 अक्टूबर का यह बयान है, भांप लिया था उन्होंने कि हरियाणा में ये बोली, ये बयान योगी आदित्यनाथ का काम कर गया है। उसी महाराष्ट्र से मोहन भागवत ने भी इशारों में हिंदुओं को एक रहने का संदेश दिया था और यही बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कही थी। अब इस पूरे मुद्दे पर विपक्ष और यूपी के लाल कौन, अखिलेश यादव ने भी कुछ कहा है। उन्होंने क्या कुछ कहा है इस बयान के बाद वो आपको सुनवाते हैं, सुनिए। ये किसी लैब में तैयार हुआ नारा था, उन्हें किसी से बुलवाना था, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बेहतर कौन बोलता, उनकी छवि भी वैसी है। अगर वो कह रहे कि बटो नहीं कटो नहीं तो पीडीए परिवार भी तो नहीं बटेगा, तो वो तो नारा आपके लिए लगा रहे हैं कि पीडीए परिवार के लोग बटना मत। ठीक है, हमला बोल दिया अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उन्होंने इस बयान की निंदा की थी। लेकिन अखिलेश यादव की साइकिल पर सवार होकर उन्हीं के कई सारे ऐसे नेता हैं जो ऐसे ही बयानबाजियां कर चुके हैं। अब योगी जी ने जो बयान दिया था वो तो हमने आपको सुनवा दिया और योगी जी के बयान पर अखिलेश जी किस तरीके से पलटवार कर रहे थे, सियासी पलटवार, वो भी हमने आपको दिखा दिया। अब जरा आपको सुनाते हैं, दिखाते हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के जो लाल हैं अखिलेश यादव, उनके साइकिल पर सवार होकर उन्हीं के नेता मुस्लिम समुदाय के तरफ से भी ऐसी बयानबाजियां करते हैं। मुस्लिम समुदाय ने भी इस पर पलटवार किया है, मुस्लिम समुदाय ने, और कहा है कि यह संदेश देश को बांटने वाला संदेश है। वही संदेश जो योगी आदित्यनाथ हरियाणा में बोल गए थे, वही संदेश जो 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में कहा था। उन्होंने कहा था हिंदुओं को एकजुट रहने के लिए, लेकिन एक मुस्लिम समुदाय के नेता हैं वो कह रहे हैं कि यह बयान साजिशन भरा बयान है, इस बयान के तहत देश में अक्रांता फैलाने की कोशिश की जा रही है। सुनिए मौलाना रशीद ने क्या कहा था, मौलाना रशीदी का उस बयान को भी सुनवाते हैं आपको। एक बड़े ओहदे पर बैठता है उसके लिए इस तरह का बयान गैर संवैधानिक है। माइनॉरिटी से मेजोरिटी को डराना यह अकल से परे की बात है।
मौलाना रशीदी के बयान को भी आपने सुन लिया, इन्होंने किस तरीके से इस बात पर अपनी प्रतिक्रिया रखी है। अब आपकी कुछ पुरानी यादों को भी हम ताज़ा कर देते हैं। पुरानी यादों को ताज़ा इसलिए कह रहे हैं ताकि आप संदर्भ को और अच्छे तरीके से समझ पाएं, राजनीतिक बयानबाजियों को और अच्छे से समझ पाएं, क्योंकि विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि योगी ऐसे बयान देकर लोगों को भटका रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं। लेकिन फरुखाबाद से लोकसभा में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी रही मारिया आलम की बात भी आपको सुननी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो बयान दिया था उस बयान पर कहीं चर्चा नहीं हुई। विपक्ष के नेताओं ने उस बयान पर कोई जिक्र नहीं किया जो उन्होंने लोकसभा में प्रचार के दौरान कही थी। तो आपको जरा सुनवा देते हैं कि समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार होकर चुनाव लड़ने जा रही मारिया आलम ने क्या कहा था। उन्होंने वोट जिहाद का जिक्र किया था, सुन लीजिए वोट जिहाद, सुनवाते वो बयान आपको। गठबंधन के साथ बहुत जल्दबाजी ना होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संघीय सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और हमें वोट जिहाद करना है, ये बयान था समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी रही मारिया आलम का। यह बयान आपको हम सुना रहे थे। समाजवादी पार्टी के ही एक और नेता है महाराष्ट्र में, बड़ा नाम है महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष है, उनका नाम है अबू आजमी। अक्सर इनको आप टेलीविजन स्क्रीन पर इन दिनों देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, सियासी तिकड़म बिठाने में माहिर माने जाते हैं। लेकिन अब अबू आजमी साहब के उस बयान को भी आपको सुनवाते हैं जो मुंबई में उन्होंने अखिलेश यादव के सामने ही कहा था कि जिसने भी माँ का दूध पिया होगा वो मुसलमानों का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और ये बहुत पुरानी बात आपको नहीं बता रहे हैं, 18 अक्टूबर की ही बयान है ये, अभी बीते 18 अक्टूबर का बयान है उनका। और बड़ी बात ये है कि जो अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि भड़काने की कोशिश हो रही है, धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश हो रही है, उनके सामने उन्हीं के ही बहुत प्रिय नेता अबू आजमी ने बयान दिया था। उनकी भाषा को सुनिएगा और उनके तेवर को भी समझिएगा, बयान सुनिए उनका। हम दो MLA, हमें 6-8 MLA चाहिए, और जिस दिन अखिलेश भाई 8 MLA हो गए ना, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया मुसलमानों को आध्यात्मिक करने की, हो गई पूरी बयानबाजी, हो गई सब सुनवा दिया आपको कि कहां अखिलेश यादव ने क्या कहा, उससे पहले योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा में क्या कहा, प्रधानमंत्री के बयान से लेकर मौलाना राशिदी के बयान तक को सुनवा दिया। अब आपको लेकर चल रहे हैं हरियाणा, क्योंकि इस पूरी कहानी की शुरुआत ही हरियाणा से हुई है, तो बात अब हरियाणा की कर लेते हैं। दरअसल हरियाणा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के नतीजों में बहुत अंतर था। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 5 सीटें आई थी, जबकि 10 साल के बाद कांग्रेस पार्टी हरियाणा में 5 सीटों को जीतने में सफल रही थी। लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पूरी बाजी पलट दी, और यह बाजी पलटना रिकॉर्ड इसलिए है क्योंकि तमाम राजनीतिक पंडित यही कह रहे थे कि बीजेपी हरियाणा में जीत नहीं पाएगी। मेरे हाथों में जो कागज है, इस कागज में एग्जिट पोल के नतीजे हैं, एग्जिट पोल भी यही बता रहा था कि नहीं जीतने वाली है बीजेपी हरियाणा में। लेकिन जब EVM का डब्बा खुला तो समझ में आ गया कि स्याही के रंग में योगी आदित्यनाथ के रंग का भी असर है जो उन्होंने बयानों में दिया था। हरियाणा की जाति समीकरण क्या है उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी जातीय समीकरणों के आधार पर आप इस पूरी कहानी को समझ सकते हैं कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे वाली जो कवायद की जा रही है राजनीति में इन दिनों, ये कवायद क्यों की जा रही है, इसकी जो नींव है वो हरियाणा के जातीय समीकरणों में ही है। तो अब आपको हरियाणा के जातीय समीकरणों का हम बता देते हैं क्या आंकड़ा है। देखिए हरियाणा की अगर आप बात करेंगे तो हरियाणा में जाट समुदाय की आबादी 25% है, दलित समुदाय की आबादी 21% है, पंजाबी समुदाय हरियाणा में 8% की हिस्सेदारी रखती है, ब्राह्मण समुदाय की आबादी 7.5% है, अहीर समाज की आबादी 5.14% है, वैश्य समुदाय 5% की हिस्सेदारी रखती है, राजपूत समुदाय 3.4% की हिस्सेदारी रखती है हरियाणा के कुल जनसंख्या में, सैनी समुदाय 2.9% की हिस्सेदारी रखती है, मुस्लिम समुदाय हरियाणा में 3.8% की हिस्सेदारी रखती है, और जो अन्य समुदाय हैं उनकी जनसंख्या 18.26% है। ये हरियाणा का जातीय समीकरण है, यानी कि दलित और जाट की जो समाज है, दलित और जाट की जनसंख्या वो हरियाणा में डोमिनेंट है। इस जातीय समीकरण को आपको मैंने समझा दिया। अब आपको कहानी में थोड़ा और आगे लेकर चलता हूं, आपको बताता हूं कि हरियाणा में कैसे हिंदू वोट बीजेपी के पक्ष में गया, और जब ये वोट बीजेपी के पक्ष में गया तो परिणाम क्या आए हैं वो आपको बताते हैं। तो वो आपको परिणाम अब हम समझाते हैं।
ग्राफ के जरिए, आंकड़ों के जरिए। देखिए बहुत दिलचस्प आंकड़ा है ये, देख लीजिए। हरियाणा लोकसभा चुनाव 2024 की पहले हम बात कर लेते हैं, यहां पर आंकड़ों की बात कर लेते हैं। देखिए अलग अलग समाज हैं, इनके वोट प्रतिशत किसके हिस्से में गए हैं और परिणाम कैसे बदले हैं वो समझाने की कोशिश आपको करता हूं। देखिए जाट, ये 2024 की बात है, 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसकी तुलना कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव से तुलना करूंगा मैं। देख लीजिए जाट समुदाय की अगर आप बात करेंगे तो बीजेपी के पक्ष में जाट समुदाय 70% वोट रखता है, यानी कि जाट समुदाय ने 70% वोट बीजेपी को दिया था लोकसभा चुनाव में, लेकिन इसमें गिरावट है, 23% जाट समुदाय ने बीजेपी को लोकसभा में वोट नहीं दिया था, यानी कि सबसे बड़ी जाति जो है हरियाणा में जाट समुदाय, उसने बीजेपी को वोट नहीं दिया था। दलित समुदाय की बात कर लीजिए, यह बहुत अहम फैक्टर रखती है हरियाणा में, इन्होंने बीजेपी को लोकसभा चुनाव में 24% दलित समुदाय ने वोट दिया था, 34% गिरावट थी। कांग्रेस वहीं दूसरी तरफ देख लीजिए, 68% दलित समुदाय ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, 40% की बढ़ोतरी थी, 40%, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और यही आंकड़ा रहा है जो परिणामों में भी तब्दील हुआ है। कांग्रेस पार्टी 5 सीटों को जीतने में यहां पर सफल रही है। फिर से देख लीजिए ओबीसी की बात कर लेते हैं, क्योंकि ओबीसी को लेकर भी लगातार कांग्रेस पार्टी निशाना बना रहे थे कि ओबीसी वोट बैंक को लेकर आए। ओबीसी में 44% वोट जो है वो बीजेपी के पक्ष में गया, 57% वोट कांग्रेस के पक्ष में गया। बीजेपी ने 24% ओबीसी वोट बैंक गवाया है 2024 के लोकसभा चुनावों में, और कांग्रेस पार्टी 57% वोट बैंक लेके आई है ओबीसी में, यानी कि हिंदू वोट बैंक अगर आप कुल मिलाकर देखेंगे तो वो बहुत तितर बितर हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने भी हिंदू वोट बैंक में सेंधमारी की है, बीजेपी ने भी की है। सवर्णों की बात कर लीजिए, 66% सवर्णों ने बीजेपी को वोट किया, 30% ने कांग्रेस को वोट किया और 12% का इजाफा था, यानी कि हिंदू वोट बैंक लोकसभा चुनाव में हिंदू वोट बैंक बढ़ता दिखाई दिया है, लेकिन इसके बटने से बीजेपी को कितना नुकसान हुआ है वो आपको दिखाते हैं हम नतीजों में। देख लीजिए नुकसान कितना हुआ है, नतीजे दिखाइए जरा, लोकसभा चुनाव के नतीजों को दिखाइए कि नुकसान कितना हुआ है। 10 सीटें हैं कुल हरियाणा की लोकसभा चुनाव में, बीजेपी ने 2024 में 5 सीटों पर जीत हासिल की, कांग्रेस पार्टी 5 सीटों पर जीत जाती है, जबकि 2019 में 10 की 10 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। नुकसान समझ रहे हैं ना आप, नुकसान समझिए, बीजेपी 5 सीटों को हार जाती है 2024 के लोकसभा चुनावों में। यानी कि एक लाइन में अगर मैं समझाऊं जो मैं आपको जातिगत आंकड़े बता रहा था कि जाट की बात कर ले, सवर्ण की बात कर ले, ओबीसी या दलित, तमाम वोट बैंक जो हिंदू वोट बैंक है इसमें बंटवारा हुआ या तितर बितर हुआ और उसका नुकसान बीजेपी को हुआ लोकसभा चुनाव में। लेकिन अब आपको विधानसभा चुनाव की कहानी समझाते हैं हम कि विधानसभा चुनाव में कहानी कैसे पलट गई। देखिए विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजों में जो प्रतिशत रहा है जातिगत वोट बैंक का प्रतिशत, वो देखिए जाट वोट जो सबसे डोमिनेंट वोट है वो अभी भी विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के पक्ष में जाता नहीं दिख रहा है। 28% वोट बीजेपी के पक्ष में आया है, जबकि 53% जाट समुदाय ने कांग्रेस पार्टी को वोट किया, लेकिन फिर भी परिणाम जो है वो बीजेपी के पक्ष में रहे हैं। क्यों रहे हैं वो आपको समझाता हूं। देख लीजिए, क्योंकि ब्राह्मण वोट की बात कर लें, ओबीसी वोट की बात कर लें, ये सब बीजेपी के तरफ आए हैं। इनमें जो पिछले बार लोकसभा चुनाव के दौरान देखा गया था बंटवारा, वो नहीं होता दिखाई दिया। अहीर की बात कर लीजिए, गुर्जर समाज, पंजाबी खत्री समाज बहुत महत्वपूर्ण समाज है, ये तमाम समाज के वोट बीजेपी के ही पक्ष में आए हैं विधानसभा चुनाव में। आप देखिए अहीर वोट बैंक जो है, यादव वोट बैंक, ये ओबीसी वोट है और इसमें देखिए बीजेपी को विधानसभा चुनाव में 62% अहीर मतदाताओं ने वोट किया है, जबकि कांग्रेस पार्टी के पास 25% कांग्रेस को वोट किया था, यानी कि 37% ज्यादा वोट जो है वो बीजेपी के पक्ष में किया है यादव समुदाय ने। चलिए जरा पिछले ग्राफ को भी मुझे दे दीजिए, मैं उसके भरोसे भी समझाऊंगा। देखिए नॉन डोमिनेंट ओबीसी की बात कर लेते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण वोट बैंक है। देखिए इसमें समझने की चीज ये है कि ये जो दलित वोट बैंक आप देख रहे हैं, ये जो दलित आबादी है जिसने 50% कांग्रेस को वोट दिया और 35% बीजेपी को वोट दिया, ये दलित नॉन डोमिनेंट दलित हैं। और अन्य ऐसी समुदाय जो हैं जो कि नॉन डोमिनेंट, ये दलित डोमिनेंट दलित हैं, ये अन्य ऐसी नॉन डोमिनेंट दलित हैं, इन्होंने जिससे कुमारी शैलजा आती है, कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी चेहरा थी, ये अन्य ऐसी वर्ग से ही आती है, नॉन डोमिनेंट दलित से। लेकिन उस समाज का हाल देख लीजिए, 45% अन्य ऐसी वोट ने बीजेपी का साथ दिया है, जबकि 33% अन्य ऐसी वोट ही कांग्रेस के खाते में गई है, यानी कि
और देखिए ब्राह्मण वोट की बात कर लें, ओबीसी वोट की बात कर लें या अन्य एससी वोट की बात कर लें, ये बढ़ता दिखाई नहीं दिया विधानसभा चुनाव में, ये बीजेपी के पक्ष में जाता दिखाई दिया है। हिंदू वोट बैंक, हिंदू वोट विधानसभा चुनाव में एकजुट दिखाई दिया है, बीजेपी के पक्ष में जाता दिखाई दिया है। इसीलिए परिणाम भी वैसे आए हैं और इसीलिए अब महाराष्ट्र चुनाव में भी उसी बात को दोहराया जा रहा है कि बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो नेक रहोगे, क्योंकि महाराष्ट्र में डोमिनेंट हिंदू है। महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं तो जरा महाराष्ट्र पर ही चलते हैं, जरा महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, क्योंकि हरियाणा का खेल तो हमने आपको समझा दिया। हरियाणा में योगी आदित्यनाथ का वो बयान काम कर गया जहां उन्होंने कहा था बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। महाराष्ट्र की बात करते हैं क्योंकि अब सारी लड़ाई और सारा खेल महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र के जातीय समीकरणों को अगर आप देखेंगे तो हिंदू आबादी यहाँ 79% के आसपास दिखाई पड़ती है, मुस्लिम आबादी 11% है और अन्य समुदायों की आबादी 10% है। ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। 79% वोट बैंक वो हिंदू के पक्ष में है। तो अब आपको हिंदू वोट बैंक किस तरीके से जातीय समीकरणों में बटा हुआ है वो समझाते हैं, वो दिखाइए। देखिए महाराष्ट्र के जातीय समीकरण में हिंदू वोट बैंक किन किन जातियों में बटा हुआ है, समुदाय में बटा हुआ है वो देखिए। मराठा समुदाय में 33% वोट है, ओबीसी 27% वोट रखता है, दलित 12% वोट रखता है। यानी कि मराठा समाज और ओबीसी समाज ये गेम चेंजर साबित होने वाले हैं। ये दोनों वोट प्रतिशत जो हैं यही किंग मेकर हैं, यही तय करेंगे कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री का ताज किसके सर पर होगा। मुस्लिम समुदाय 11% ही हैं और आदिवासी समाज के लोग 9% की हिस्सेदारी रखते हैं, अन्य समाज 8%। यानी इन आंकड़ों में मराठा, ओबीसी और दलित यही सबसे प्रबुद्ध और प्रबल चेहरा हैं, यही तय करेंगे कि किसके सर मुख्यमंत्री का ताज होने वाला है। अब महाराष्ट्र का सियासी इतिहास क्या रहा है वो भी आपको दिखा देते हैं। महाराष्ट्र का सियासी इतिहास देखिए, ये लोकसभा 2024 के नतीजों के बाद जो आंकड़े निकल कर आए हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले सवर्ण समाज की बात कर लेते हैं। देखिए 38% वोट एनडीए के पक्ष में गया था, 29% बढ़ोतरी है और 58% वोट इंडिया के पक्ष में था, 29% कम हुआ है। यानी कि जितना भी कांग्रेस का सवर्ण वोट था वो सारा का सारा सवर्ण वोट एनडीए के पक्ष में आ गया 2024 के लोकसभा चुनावों में। मराठा समुदाय की बात हम कर रहे थे, सबसे बड़ा समुदाय है ये। मराठा समुदाय ने 39% वोट किया एनडीए के पक्ष में, ये स्थिर वोट है, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए ये स्थिर वोट है, इसमें ना गिरावट हुई है ना बढ़ोतरी हुई है। लेकिन इसी वोट बैंक में इंडिया गठबंधन को नुकसान हुआ था, 11% वोट इंडिया गठबंधन के मराठा समाज से घट गए थे। ओबीसी की बात कर लें, 39% वोट एनडीए के पक्ष में आया और ये ओबीसी वोट बैंक महाराष्ट्र में दूसरा सबसे बड़ा वोट बैंक है और ये वोट 24% के इजाफे के साथ एनडीए के खाते में गया 2024 के लोकसभा चुनाव में। इंडिया गठबंधन को यहां भी नुकसान हुआ, 31% वोट घट गए उनके, 50% वोट इंडिया के पक्ष में गया था। तो इस आंकड़ों के लिहाज से भी आप उस बयानों को समझने की कोशिश कीजिए कि बटोगे तो कटोगे। आदिवासी की बात कर लीजिए, 55% वोट आदिवासियों ने दिया था एनडीए को, 35% वोट इंडिया के पक्ष में गया था, 3% की वहां पर गिरावट है, यहां पर भी बीजेपी को फायदा हुआ। 46% वोट दलितों ने बीजेपी के पक्ष में दिया, 30% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं इंडिया गठबंधन को 35% मिले और 16% की वोट बैंक की बढ़ोतरी है। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र की कहानी भी हिंदू वोट पर है, उसी को समेटने की कोशिश है। देखिए किसको कितनी सीटें आई थी 2024 के लोकसभा चुनाव में। 2019 की बात करेंगे तो बीजेपी 23 सीटें जीत पाई थी, 2024 में 9 सीटों का अंतर रहा, 14 सीटें ही जीत पाई। शिवसेना शिंदे गुट के ने 2019 में 18 सीटें जीती थी, 2024 में 7 सीटें ही जीत पाई, 11 सीटों का नुकसान हुआ था। अब इन दोनों को आप एक तरीके से जोड़ के देख लीजिए, हिंदू वोट बैंक बढ़ता दिखाई दिया महाराष्ट्र में। बीजेपी ने 9 सीटें गवाई क्योंकि हिंदू वोट बैंक बटा, इंडिया के खाते में भी गया। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की बात करें तो तब तक तो शिवसेना एक ही थी 2019 में, लेकिन 2024 में यूबीटी उद्धव ठाकरे 9 सीटें जीत लेते हैं। तो हिंदू वोट बैंक जो है वो बहुत तितर बितर हो सकता है, इसलिए उसको जोड़ने की कवायद है।
कांग्रेस पार्टी ने 2019 में एक सीटें जीती थी, मात्र एक सीट। 2024 में आंकड़ा कितना पहुंच गया, 13। आंकड़े दिखाए हमने आपको। बीजेपी 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 की जो हिंदू वोट बैंक थी वो कहीं ना कहीं बत्ती दिखाई दी है। मराठा और ओबीसी वोट बैंक वो कांग्रेस के पक्ष में गया। एनसीपी अजित गुट ने 2019 में चार सीटें जीती, 2024 में महज एक सीट, तीन सीटों का अंतर रहा। एनसीपी शरद गुट ने 2019 में चुनाव नहीं लड़ा था, एनसीपी एक ही थी, टूट गई है, बिखर गई है। 2024 में आठ सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज की है। तो यानी कुल मिलाकर लड़ाई महाराष्ट्र में हिंदू वोट बैंक को साधने की ही है। 80% वोट हिंदुओं का है, 80% वोट हिंदू समुदाय का है, और साथ साथ अगर हम बात कर ले 9% वोट आदिवासी समाज का है। यानी कुल मिलाकर 89% वोट को बीजेपी चाहती है अपने पाले में कर ले, इस वोट को बटने ना दे। इसीलिए बार बार हर मन से यही कहा जाता है कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नोइक रहोगे, और इससे फायदा बीजेपी को सबसे ज्यादा होने वाला है। शायद अब आप समझ गए होंगे कि बीजेपी इस नारे पर इतना जोर क्यों दे रही है। बार बार कह रही है कि बटेंगे तो कटेंगे, अब बटेंगे तो कटेंगे में बीजेपी को फायदा होने वाला है, इसीलिए बार बार इस नारे को दोहराया जा रहा है। हालांकि देखना होगा कि हिंदू वोट बैंक किसके खाते में जाता दिखाई देता है। महाराष्ट्र में, हरियाणा में तो यह प्रयोग बीजेपी के पक्ष में रहा है। एक बार जाते जाते फिर से आपको सुनवा देते हैं कि किस नारे पर, बटोगे तो कटोगे वाले किस नारे पर तमाम सियासी तिकड़म बिठाए जा रहे हैं, महाराष्ट्र को जीतने की भी कोशिश है। बटेंगे तो कटेंगे, कटेंगे तो कटेंगे। अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। संगठित समाज का बल चाहिए, उसी की साधना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता है। हाँ तो हम तो कहते हैं जब जब हिंदू बाबू को भूले आए विपद महान, भाई टूटे धरती कोई मिटे धर्म संस्थान। योगी जी ने सही कहा है, बटोगे तो कटोगे। इस तरह के बयान देकर ये तुष्टीकरण करना चाहते हैं, लोगों का वोट लेना चाहते हैं और देश में नफरत फैलाने का काम करना चाहते हैं। हम सबको कहते हैं इलेक्शन में रहना है तो हिंदू बनना होगा। ध्यान रखना, जाति में मत बटना, जाति में बटोगे तो फिर काटे जाओगे, इकट्ठा रहोगे तो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहोगे।